ये जो रिमोट है उसे लाइट ऑन ऑफ, फैन, ये फैन कर दिया फुल, जैसे जैसे फैन की स्पीड बढ़ेगी ये खुल जाएगा। सिक्स पे फास्ट, फैन और तो लाइट के दोस्तों लिए। ये है यहाँ की होटल और ये है इस होटल का खाना। तो खाना जो है यहाँ पर इंडियन खाना जो है प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन ग्रुप्स आए हुए हैं और ये यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है सांभर वगैरह है, और ये यहाँ पर नॉन वेज की जो है चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ पर, और ये राइस वगैरह है। तो ये है यहाँ का लंच, और रोटी भी देखें, रोटी भी अवेलेबल है, तंदूर वाली रोटी भी अवेलेबल है यहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप जो है ले सकते हैं, चाय वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने तो भाई ये लिया है, यहाँ पर अलग अलग संवार है यहाँ पर। मैंने जो है खाना खा लिया है और खाना यहाँ का काफी अच्छा है, बढ़िया है। होटल जो है कर्बला की 4-स्टार होटल है। बैग वगैरह ले लिया है और हम जा रहे हैं अभी हरम पर। तो आ गए ग्राउंड फ्लोर पर। ये हम है, 0 रुपये आ गई। तो भाई ये है होटल, लाइव चल रहा है इमाम हुसैन के रोजे से। तो दोस्तों मैं जिस होटल पे रुका हूँ वो जो है यहाँ से मौला अली अब्बास का रोज़ा है, वहाँ से जो बाहर रास्ता निकलता है, ये यहाँ का मेन रास्ता है, वो बाहर निकलता है। जैसे ही वहाँ निकलता है यहाँ पर एक बिल्डिंग छोड़ के ही ये होटल है। तो अभी हम जा रहे हैं हरम में, हो सकता है मैं आपको लाइव भी दिखा दूँ। तो भाई यहाँ से ना मैंने सिम कार्ड भी लिया है, जो हमारे इंडियन रुपीज़ 1650 का मैंने सिम कार्ड लिया है। तो उसमें आया है मुझे 7 डेज़ अनलिमिटेड नेट। और स्पीड की बात करूँ तो स्पीड तो एकदम 400-500 के बी पी एस तक ही आ रही है, बहुत स्लो स्पीड चल रही है। तो अभी देखिए सामने, और ये यहाँ की मार्केट है। तो अभी मार्केट में मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको ज़्यारत करवाऊंगा अंदर। तो बहुत बड़ी मार्केट है, पीछे साइड भी है, अलग अलग गेट की तरफ अलग अलग, बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो ये है रोज़ा मौला अली अब्बास, और गेट जो है एक यहाँ पर गेट है, ये पीछे से एंटर है, ये बैक साइड है, और एक वहाँ पर फ्रंट गेट है इमाम हुसैन के वहाँ पर जाने का। तो यहाँ से मैं कभी गया नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह, जूते वगैरह जो है जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं गिम्बल से शूट कर रहा हूँ तो गिम्बल अंदर नहीं ले जाने देते, तो जूते तो आप जमा करवा ही सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वहाँ से ही एंटर कर लूँ। तो भाई यहाँ पर ना एक सीन हो गया, मैंने चप्पल जमा कर लिए एकदम एंड वाले गेट में, और जो है गिम्बल अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर नीचे बहुत तप रहा है भाई, बाप रे। तो दोस्तों अभी ना थोड़ी देर के लिए मैंने चप्पल उतारे तो ये इतना तप रहा है ना, इतना गर्म है, जैसे आप कोई गर्म कोयले पे चल रहे हो, इतना तप रहा है नीचे। अभी सोचे उस वक्त जब इमाम हुसैन थे तब यहाँ पर जो थे भूखे प्यासे थे, और तब तो जो है इससे ज़्यादा तप रहा होगा। अभी जो है 48 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ पर आप एक पैर भी नहीं रख सकते, इतना तप रहा है दोस्तों ये। और जब ये अरबियन होता है नजब टू करबला वॉक, तब जो है लोग बिना चप्पल जूते के जाते हैं। यहाँ से जो है नजब से करबला वॉक करके आते हैं, जो होता है 90 किलोमीटर करीब होता है, और पैर में से जो है खून भी आने लगते हैं, पैर में से खून आने लगते हैं। और ये देखिए रोज़ा, मैं कह रहा था पैरों में से खून निकल आते हैं, फिर भी जो है लोग चल कर जाते हैं नजफ से करबला।
वो नजफ़ से करबला जो है 40वें में होता है, 10वीं मुहर्रम के 40 दिन बाद। तो ये है मौला अली अब्बास, मौला अली अब्बास का रोज़ा है। तो अभी हम जो है सामान, और अभी मैंने जो है गिम्बल रह रखा है और सामान है दो, मैं फिलहाल जमा करवाऊँगा, फिर जाऊँगा अंदर। ये देखिए डे टाइम का व्यू, ये सामने आप रोज़ा देख रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा है, और पीछे जो है चप्पल जूते जमा करवाने के लिए यहाँ पर जगह है। गर्मी में बताऊँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 48 डिग्री है इस वक्त राइट नाउ, और अभी दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। ये मौला अली अब्बास का रोज़ा है और सामने ही है इमाम हुसैन। तो अक्सर दोस्तों मैं वीडियो में देख के सोचता था कि ये 2 रोज़े क्यों है, तो जो जो बातें मुझे पता नहीं थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अंदर जो है इमाम हुसैन के रोज़ा है और 2 रोज़े हैं, और यहाँ पर जो है मौला अली अब्बास का रोज़ा है।